वी द पीपल, हम भारत के लोग। रास्ता ना कठिन है ना ही रास्ता लंबा है, बस सोचने और समझने की देर है। झगड़ा इस बात का है कि मेरे छाते के नीचे या मेरे संगठन के नीचे आ जाएं सारे लोग। आपके संगठन के नीचे आना या आपके साथ आने से समस्या अगर सॉल्व होती तो बहुत पहले हो गई होती। दरअसल किसी के संगठन के नीचे आने से या किसी के संगठन के नीचे काम करने से समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। सभी को संविधान के नीचे आना पड़ेगा, सारे संगठनों को, सारे लोगों को, तब समस्या सॉल्व होगी। संविधान के नीचे आने का मतलब क्या है? संविधान के नीचे आने का मतलब है कि आप अपने संगठनों में संविधान के नियम डालिए, व्यक्तिवाद को हटाइए और जो गण परिषद है, जो संघ परिषद है, जो कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव लीडरशिप है, उसको एडॉप्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए और लोगों में यकीन दीजिए, विश्वास दीजिए कि आप भारत के सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब सब लोगों का एक ही संविधान होगा और एक ही बात होगी और उसमें व्यक्तिवाद नहीं होगा तो फिर लालच की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। अभी लालच क्या है? अभी लालच है कि मैं संगठन का प्रधान रहूं। जिनकी रोजी रोटी संगठन से चलती है वो कहते हैं कि मैं संगठन का प्रधान रहूं। जिनको इज्जत चाहिए तो वो सोचते हैं कि मैं संगठन का प्रधान रहूं। जिनको बीमारी होगी भाषण देने की, वो कहते हैं मैं संगठन का प्रधान रहूं। जिनको लगता है कि सिरे मुझे मिलना चाहिए कि मैंने अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया, मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियां स्टैचू लगने चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं संगठन का प्रधान रहूं। लोगों को इनसिक्योरिटी है, वो चाहते हैं कि मेरी मालाएं जो गले तक भर जाती हैं उतर ना जाएं, इसलिए मैं जीवन भर प्रधान रहूं। ये बीमारी है। इन समस्याओं की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। जब सब संविधान के नीचे आ जाएंगे और अपनी जितनी भी संस्था हैं या संगठन हैं उनको संविधान के तहत काम करेंगे तो लालच खत्म हो जाएगा। फिर तो सबका चुनाव होगा, फिर तो मनोनीत होने का काम खत्म हो गया। जब मनोनीत कोई होगा नहीं, चुनाव उसी का होगा जो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वोट सारे डालेंगे। जो निकम्मा आदमी है, जो सिफारिश, ये भाग जाएगा। तो फिर उसमें कहीं लालच की कोई जगह रहेगी नहीं, तो लोगों की सोच बदलेगी। अभी लोग जो सोच रहे हैं संगठनों में वो अपने तक सीमित हैं, वो संगठन के विकास या लोगों के विकास के बारे में नहीं सोचते। वो अपने विकास के बारे में सोचते हैं कि मेरी पोजीशन मेंटेन रहे, बड़ी मुश्किल से तो मिली है, देखो मैंने जीवन भर इस संगठन में काम किया, कितने सारा पैसा दिया, कितनी सारी सैलरी दी, बड़ी मुश्किल से ये इज्जत मिली है, बड़ी मुश्किल से भाषण देने का मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से लोग मुझे साहब कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे सर कहते हैं, इस मौके को कैसे गंवाऊँ, कैसे छोड़ूँ इसको। हाँ, बात तो मेरी समझ में आती है कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे हम बचेंगे नहीं, मगर मैं अपने लालच को कैसे छोड़ूँ, मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, सब मेरे साथ आ जाओ। ये जो चीज़ें हैं ये हमारा पतन कर देंगी। एक बात साफ साफ अपने दिमाग में सभी लोग इसको डाल लें, कुछ समय बाद आपके संगठन ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। भारत में ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है कि एक कानून आए कि भाई कोई भी सामाजिक संगठन अब नहीं रहेगा, सारे एबोलिश हो जाते हैं, कोई भी आर्थिक संगठन नहीं रहेगा, कोई भी पब्लिक का नहीं रहेगा, कोई भी सोसाइटी नहीं रहेगी, आपका ख़त्म हो गया मामला। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरे भारत को जोड़ा नहीं तो बोलेगा कौन, सब बिखरे हुए हैं, आपने कोई सीखा नहीं, सिखाया नहीं। तो जब आप बचोगे ही नहीं तो संगठन क्या चलाओगे, फिर काय का नेता, कैसा नेता, फिर आप अपने घर में रहना। तो अभी जो सवाल है वो है सर्वाइवल का, अभी सवाल है बचे रहने का। बचे रहोगे तो प्रधान रहोगे ना, बचे रहोगे तो नेता रहोगे ना, बचे रहोगे तो कुछ करोगे ना, बचे रहोगे तो आपस में झगड़ोगे ना। तो अपना झगड़ना बंद करो, क्योंकि झगड़ना भी चाहते हो तो बचो तो सही। कोई व्यक्ति अगर मरी गया तो झगड़ेगा क्या? तो अगर झगड़ना भी चाहते हो आपस में तो बचने का इंतजाम पहले करो, तो इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई, कुछ सालों के लिए इकट्ठे हो जाओ, कम से कम बचने के लिए इकट्ठे हो जाओ, बच जाओ फिर जूता लेकर देकर डंडा लेकर लड़ना आपस में, अगर बिना लड़े मज़ा नहीं आता है तो। इसके समझ तो है नहीं, संगठन बनाया है तो आपस में लड़ने के लिए बनाया है या लोगों की सेवा के लिए? सारे संगठन आपस में एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दुश्मन दुश्मन करते रहते पूरे दिन, और दुश्मन से नहीं लड़ते,
वो दुश्मन की जगह खुद ही लड़ते हैं, दुश्मन का काम करते रहते हैं। ऐसे बेवकूफ संगठन है जिसका कोई जवाब नहीं, एक दूसरे के सदस्यों को तोड़ते रहते हैं। अरे भाई, तुम जब अपने ही आदमी को तोड़ोगे तो तुम्हें तोड़ने की क्या जरूरत है, तुम तो टूट गए। जो आदमी तोड़ा गया है टूटा गया है, दोनों निकम्मे हैं। किसी का संगठन तोड़ना या किसी संगठन को तोड़ना, तोड़ने वाला और तोड़वाने वाला सभी तो अपराधी हैं, तुम्हें अकल ही नहीं है। मतलब अपने ही परिवार को तोड़ रहे हो। वैसे कहते हो कि हमारा परिवार एक है और अपने ही परिवार के मेंबरों को तोड़ते, मतलब जोड़ने की बात नहीं सीखी कि चलो भाई मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ देता हूँ, दोनों संगठनों को जोड़ देता हूँ। इतनी अकल नहीं आती तुम्हें, तोड़ना ही सीखा तुमने जिंदगी में। मतलब दूसरे दुश्मन का काम तुम खुद ही कर रहे हो, अरे जोड़ने का काम करो। जोड़ने का काम करोगे तो तुम्हें कोई अकलमंद भी कहेगा तो तुम्हारा दुश्मन तुमसे घबराएगा भी, फिर तुम्हें दुश्मन दुश्मन की रटनी लगानी पड़ेगी, फिर वो दुश्मन दुश्मन तुमसे आगे दोस्ती कर लेगा, खैर अब ये समझदार हो गए हैं। तो जोड़ने का काम करो, फेविकोल बनो और जिंदा रहने का काम करो। तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे संगठन भी नहीं रहेंगे, तुम सब खत्म होने वाले हो। इस सोच को दिमाग में डालो, इसको समझो, आपस में ये बदतमीजियां करनी बंद करो। और ये जो तुम इंतजार कर रहे हो ना कि फलाना नेता मरेगा या फलानी नेती मरेगी तो उसके संगठन पे हम कब्जा कर लेंगे, ये फलाना आदमी संगठन में मरेगा तो मैं प्रधान बन जाऊंगा, ये फलाना मरेगा तो मेरा नंबर आएगा, ये बेवकूफियां छोड़ो। किसी के मरने का इंतजार मत करो, दम है खुद ही इकट्ठे हो जाओ। वो लोग निकम्मे और गिद्ध होते हैं जो किसी के मरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि गिद्ध हमेशा लाश खाता है मरने का, उसका अपना कुछ नहीं होता है, वो कोई शिकार नहीं करता, वो देखता है कौन मरा, इंतजार करता रहता है, उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती, गिद्धों की कोई इज्जत नहीं होती। तो गिद्ध बनना बंद करो, मेहनत करो, लोगों को इकट्ठा करो, काम करो। बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, पूरे दिन चिल्लाते हो संगठित रहो संगठित रहो, एक बार खुद पे भी अप्लाई करो। आपस में संगठनों को तोड़ना फोड़ना बंद करो, इनको जोड़ना जाड़ना शुरू करो, लोगों को जोड़ना जाड़ना शुरू करो। तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, मर जाओगे तो संगठन भी नहीं रहेगा, इसको दिमाग में डाल लो। धन्यवाद। Thank you.